तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। फिर से आ चुके हैं YouTube पे एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आपके सामने। तो चैनल पर जो भी न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा जो बर्ड्स वाली PNG एड किस तरह से की जाती है। वीडियो के अंदर जाओ एंड इस टाइप का बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, बस एक ही एप्लीकेशन की, और वो है VN एडिटर। ठीक है, तो यहाँ पर सब फटाक से बिना देरी किए VN एडिटर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे VN एप्लीकेशन के अंदर मैं आ चुका हूँ। आने के बाद अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग वाला वीडियो है जो आपने बनाया है उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आखिरी में आ जाना होगा एंड यहाँ से जो ब्लैक लाइन है इसे यहाँ पर डिलीट कर दीजिएगा। VN का एक लोगो है तो इसे डिलीट करने के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना होगा एंड यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना होगा इस पर। तो यहाँ पर जो भी मैं PNG ऐड करूँगा तो वो PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो फटाक से मैं उसे यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी बर्ड्स की PNG को लेकर आ चुका हूँ। आने के बाद इसे थोड़ा सा ऊपर लेंगे एंड इस तरह से इसे डबल फिंगर से इसे अपने हाथों से एडजस्ट कर लीजिएगा जितना आप रखना चाहें। तो ठीक है, मैं कुछ इतना रखना चाहता हूँ। उसके बाद अभी क्या करना आपको, यहाँ पर आ जाना होगा आखिरी मिश्रण में। ठीक है, सो यहाँ पर मिश्रण वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड स्क्रॉल करते हुए आ जाना होगा आपको यहाँ पर हार्ड लाइन पर। ठीक है, हार्ड लाइट पर क्लिक करना होगा। जैसे हार्ड लाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा एंड राइट पर क्लिक कर लीजिएगा। राइट पर क्लिक करने के बाद अभी क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो है कि पहले तो मैं इसका आवाज़ साइलेंट कर लेता हूँ क्योंकि आवाज़ से वीडियो बिगड़ जाएगा पूरा। तो फटाक से मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद अभी क्या करना आपको, जो वीडियो एक बार प्ले करके देख लीजिए क्या बना है अच्छे से या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लाइन आ चुकी है। तो इस लाइन को कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए जाना आखिरी में। इतना आने के बाद यहाँ पर आपको एक मुखट्टा वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करना होगा, उसके बाद ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेकिक पे क्लिक करना होगा इस वाले ऑप्शन पर एंड यहाँ पर इसे डबल फिंगर से गोल गोल घुमाकर इसे ऊपर की साइड कर दीजिएगा एंड इसे नीचे ले लेगा। तो इतना करने के बाद आपको जहाँ लाइन है इसे ज़रा सा ऊपर रखना होगा एंड ऊपर रखने के बाद इसे यहाँ पे थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इन तीर वाले ऑप्शन को थोड़ा सा नीचे खींचेंगे, ज़रा सा खींचना होगा, ज़्यादा नहीं, बस इतना। उसके बाद यहाँ पर राइट पे क्लिक कर देंगे जितना। तो इतना करने के बाद हमारी वीडियो बिल्कुल यहाँ पे तैयार हो चुकी है। तो आप देख लीजिए एक बार, प्ले करके दिखा देता हूँ मैं। कुछ इस टाइप की हमारी बर्ड्स वाली PNG एंड वीडियो बनी है। तो ठीक है, कुछ इस टाइप से आप अपनी रील के अंदर बर्ड्स वाली PNG ऐड कर सकते हैं। तो जल्दी बताऊंगा मैं कि किस तरह का बादल भी चेंज कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। मैंने बना रखी है लेकिन आपको समझ नहीं आई हो तो मैं दूसरी वीडियो भी बना दूंगा किस तरह से अपने बादल को भी चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एंड वीडियो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।